Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 6, second chapter, how the dog found himself a new master. Dog ne apne naye malik ko kaise paya? So before you read, you may know that dogs and wolf are closely related. Shayad aap jante hain ki jo dogs hain aur जो वॉल्फ होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं. यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल. और शायद आप ये भी जानते हैं कि शताब्दियों से ह्यूमन बींग्स ने मनुष्य ने वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड और टेम्ड बनाया है. हेयर इज़ अ स्टोरी, यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ेंगे अबाउट हाउ द डॉग बिकम ए टेम्ड एनिमल, जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह से एक जो डॉग था वह एक टेम एनिमल बन गया. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड लिसन इट केयरफुली हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. एक डॉग ने अपने नए मास्टर को, नए मालिक को कैसे पाया. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स. पहले जो डॉग्स थे वे अपने मास्टर, अपने मालिक खुद हुआ करते थे. एंड लिव द वे वॉल्स डू, और वैसे ही जीते थे जैसे कि वॉल्फ जीते थे. इन फ्रीडम, पूरी आज़ादी के साथ. अनटिल, जब तक अ डॉग वॉज बोर्न, जब तक एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, जो कि इस तरह के जीवन से नाखुश था. इल प्लीज्ड का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा. ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी, जो कि खुश ना हो, नाखुश हो, इसे आप अनहैप्पी भी कह सकते हैं बेटा. ही वॉज सिक, वह बीमार था. एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, और भोजन की तलाश करते करते वह बहुत ज़्यादा थक चुका था. एंड बींग फ्राइटेंडेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और वह उन लोगों से भी ज़्यादा डरता था, उन सभी से डरता था जो कि उससे ज़्यादा क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, शक्तिशाली थे. ही थॉट इट ओवर, तो उसने सोचा. एंड डिसाइडेड, और निर्णय किया. दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है. टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, इस धरती पर जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, क्यों न वह उसका सर्वेंट बन जाए. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, तो उसने ऐसे ही अपने एक मालिक की तलाश आरंभ कर दी. ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वह चलता रहा. एंड ही मेट अ काइंस मैन ऑफ हिज. काइंस मैन का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ बेटा, ओल्ड फैशन वर्ड फॉर, यह पहले यूज़ किया जाता था. इसे आप ए रिलेटिव्स, रिलेटिव कहते हैं, जैसे जो रिश्तेदार होते हैं. तो वह अपने ही एक ऐसे रिश्तेदार से मिला, अ बिग वॉल्फ, जो कि एक बहुत बड़ा वॉल्फ था. हु वॉज एज स्ट्रोंगर एज ही वॉज फियर, वह देखने में जितना शक्तिशाली था उतना ही वह भयानक भी था. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस, वॉल्फ ने पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ. तो डॉग उसको कहता है कि मैं किसी ऐसे की तलाश कर रहा हूँ, ऐसे की खोज कर रहा हूँ जिसको मैं अपनी सर्विस दे सकूँ, क्या आप मेरे मालिक बनना चाहेंगे वॉल्फ. आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड, वॉल्फ ने कहा कि हाँ क्यों नहीं. एंड दिस एग्रीड अपॉन, वह एग्री हो गया, उसने मान लिया उसका जो उसने कहा था कि वह किसी की सर्विस करना चाहता है डॉग. तो वॉल्फ ने कहा हाँ क्यों नहीं. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों ही इकट्ठा चल दिए, आगे चले. उसके बाद दे वॉक्ड एंड वॉक्ड, वे चलते रहे. एंड ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अचानक ही जो वॉल्फ था, भेड़िया था, उसने अपनी नोज़ को ऊपर उठाया, स्निफ्ड और सूंघा. एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और डार्टेड क्विकली का मीनिंग यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ बेटा, मूव क्विकली, सडनली, अचानक से उसने अपने रास्ते को बदल दिया. एंड इन टू द बुशेज, और वह बुशेज़ की तरफ चला गया. बुशेज क्या होती हैं बेटा, झाड़ियाँ होती हैं. एंड क्रिप्ट डीपर इन टू द फॉरेस्ट, और वह जंगल के बीच में चला गया. द डॉग वॉज मस्ट सरप्राइज, डॉग यह देखकर बहुत ही हैरान था कि ऐसा क्या हुआ. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या हुआ मास्टर, वह उससे पूछता है. ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटेंडेड यू सो, आप किससे डर गए.
कांट यू सी, तो क्या तुम देख नहीं सकते, देर इज़ अ बियर आउट देयर, वहाँ पर एक बियर है, वहाँ पर एक भालू है, एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस यू एंड मी, वह तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा। सींग दैट, यह देखकर द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, कि जो भालू है वह उस भेड़िए से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो उसने डॉग ने यह निर्णय किया कि वह अब अपना जो अपनी सर्विस है वह उसको नहीं देगा, एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया, एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से पूछा कि क्या तुम आप मेरे मालिक बनना चाहेंगे। द बियर एग्री टू दिस रेडली, और जो बियर था भालू वह भी मान गया, एंड सेड, और कहा लेट अस गो, चलो चलते हैं, एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, और गायों के झुंड को ढूंढते हैं, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फील, मैं काउ को मार दूंगा, गाय को मार दूंगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे मिलकर खा जाएंगे। दे वॉक ऑन, वे चलते रहे, एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काउज, वे चलते रहे और अचानक से उन्होंने क्या देखा, झुंड देखा गायों का, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइज, जैसे ही वे झुंड की तरफ जाने लग गए तो उन्होंने एक बहुत ही भयानक आवाज़ को सुना और वे वहीं पर रुक गए। द काउज वर मूइंग लाउडली, जो गायें थी वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही थी, मोइंग का मीनिंग यहाँ पर रंभाना होता है बेटा, जैसे जो गायें होती है उसकी जो साउंड होती है ना आवाज़, तो उसको कहते हैं हम इसे, ठीक है। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, पैनिक होता है डर के मारे वो इधर उधर डायरेक्शंस में भाग रही थी, जैसे कि जो उन्होंने किसी भयानक चीज़ को देख लिया होगा जिससे कि वो क्या कर रही थी, इधर उधर भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, तो भालू ने पेड़ के पीछे से देखा, एंड देन ही टू रन हैस्टली डीपर इन टू द फॉरेस्ट, और वह भी डर के मारे जंगल में भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, तो उसने डॉग से कहा कि मैं यहाँ पर क्यों आया, इट इज़ अ लॉइन, यह एक लॉइन है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट, जो कि इस जंगल के हिस्से के ऊपर क्या करता है, रूल करता है। द लॉइन, हु इज ही, तो वह जो डॉग है उससे पूछता है कि लॉइन वह क्या है, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वह इस धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बीस्ट है, पशु है, जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो मैं आपको गुड बाय कहूँगा बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर, मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ, एक ऐसा मालिक चाहता हूँ, हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और जो डॉग था उसने भालू को छोड़ दिया और वह किसके पास गया, अब लॉयन के पास गया, और लॉयन से पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बनना चाहेंगे। द लॉयन एग्रीड टू इट, लॉयन भी मान गया, एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, अब डॉग था जो कुत्ता था वह अब उसके साथ लॉयन के साथ ही रहने लग गया और उसकी सेवा काफ़ी लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहा। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, यह बहुत अच्छा जीवन था, एंड ही हैड नथिंग टू कम्प्लेन ऑफ, और वह अब कोई भी कंप्लेन नहीं करता था, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, तो क्योंकि उसे पता चल गया था कि लॉयन से ज़्यादा शक्तिशाली इस धरती पर इस फॉरेस्ट में कोई भी नहीं है। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन हिज एनी वे, और कोई भी अब डॉग को क्या नहीं कर सकता था, डेयर्ड या डेयर का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है बेटा टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कोई भी उसको फोर्स करके कोई भी काम नहीं करवा सकता था, क्योंकि वह किसका सर्वेंट था, वह लॉयन का सर्वेंट था, और लॉयन क्या था, सबसे शक्तिशाली था। बट परंतु वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग अ पाथ,
दोनों ही एक रास्ते पर जा रहे थे दैट रैन अमिड बेयर क्लिप्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, क्लिफ का मीनिंग है एक स्टेप हाई रॉक, एक ऊंची चट्टान की तरफ जब वे गए तो वहाँ पर अचानक से जो लायन था वो रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्टक द ग्राउंड एंगरली विद हिज पा विद सच फोर्स दैट अ होल फोर्स देयर। तो उसने बहुत ज़ोर से उसने क्या रोर किया, रोर का मतलब होता है गर्जना, जैसे कि जो दहाड़ मारना होता है, जैसे कि लायन की आवाज़ होती है ना, तो उसने ज़ोर से दहाड़ा और उसने अपने ज़ोर से अपने जो पंजे को ज़मीन पर जोर से पंजा मारा, जिससे कि ज़मीन पर क्या हो गया, एक होल बन गया। देन ही अगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, उसके बाद वह उसने दोबारा से वह चुपचाप से वह क्या क्वाइट हो गया, शांत हो गया। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग। डॉग ने पूछा सरप्राइज होकर, हैरान होकर कहा कि मास्टर क्या हुआ। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे द लायन सैड, लायन ने कहा, शेर ने कहा कि मुझे किसी मनुष्य के यहाँ पर होने की स्मेल आ रही है, महक आ रही है। वी वुड बेटर देन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमारे लिए यही ठीक होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो मैं आपको गुड बाय कहूँगा। लायन आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। अब देखिए डॉग ने क्या किया, लायन को छोड़ दिया और वह किसके पास चला गया, मैन के पास, आदमी के पास चला गया। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फेथफुली, वह उसी के पास रहा और उसकी सेवा बड़े ही फेथफुली तरीके से करता रहा। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। देखिए अब क्या है, दिस हैपन्स लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल मास्टर, और आज तक जो मनुष्य के लिए जो डॉग है वो सबसे ज़्यादा फेथफुल सर्वेंट है। आपके घर में भी देखो बेटा डॉग होगा ना, तो डॉग कितना फेथफुल होता है ना, तो इसी तरह से इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जो मैन है, जो मनुष्य है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वह किसी भी जानवर को अपने काबू में कर सकता है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और आज तक जानवरों के लिए जो मनुष्य है वो सबसे ज़्यादा बेटर और सबसे बढ़िया मास्टर रहा है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने YouTube चैनल करियर लाउंजर एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।